हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक का हेडिंग है हेयर टॉनिक फार्मूला। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है हेयर टॉनिक फार्मूला और कैसे लेना है हेयर टॉनिक फार्मूला और क्या यूजेस है हेयर टॉनिक फार्मूले का, आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मैं डॉक्टर सुल्तान आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। हेयर टॉनिक फार्मूला बताने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में या डे टू डे वर्किंग में हमें वेरियस मेडिकल क्यूरीज आती है, वेरियस डिजीज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मालूम करना होती है, तो हम डायरेक्टली डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। लेकिन हम जो है तो एक लाइव क्लिनिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर आप आपके ईच एंड एवरी क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर मेरे लाइव क्लिनिक में रहना है तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मुझसे बने के लिए अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आया करेगा लाइव क्लिनिक का, तो आप मुझे लाइव की बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। फ्रेंड्स, चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि क्या होता है हेयर टॉनिक फार्मूला। दोस्तों, हेयर टॉनिक फार्मूला बताने से पहले मैं आपको क्या हेयर ग्रोथ के लिए डाइट लेना चाहिए वो बताऊँगा और उसके बाद जो है तो मैं आपको हेयर टॉनिक फार्मूला बताऊँगा। दोस्तों, हेयर ग्रोथ के लिए डाइट बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि डाइट रेगुलर नहीं है, डाइट रेगुलर है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि क्या डाइट लेना चाहिए हेयर ग्रोथ के लिए। दोस्तों, इसीलिए मैंने आज के वीडियो में आपके लिए हेयर ग्रोथ के लिए क्या डाइट लेना चाहिए वो आपको इस वीडियो में बताऊँगा। जो डाइट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि क्या फूड लेना चाहिए डाइट में जिसके कारण जो है हमारी हेयर ग्रोथ नेचुरली हो सके। दोस्तों, फर्स्ट जो फूड है जो हेल्थ के लिए एज वेल एज हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही यूज़फुल है वो है एग्स। दोस्तों, अगर आप डेली एक एग्स लेंगे या वीक में जो है तो 4 eggs लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो बढ़ जाएंगे और आपका हेयर फॉल स्टॉप होगा, क्योंकि जो एग्स है इसके अंदर वेरियस प्रोटीन है, बायोटीन है, जो यूज़फुल है हेयर ग्रोथ के लिए। फ्रेंड्स, जो सेकेंड फूड है जो बहुत ही यूज़फुल है हेयर ग्रोथ के लिए वो है बेरीज। हम देखते हैं कि बेरीज लाइक स्ट्रॉबेरीज के अंदर जो है तो वेरियस विटामिन्स है जो बहुत ही यूज़फुल है हेयर ग्रोथ के लिए, एज वेल एज कुछ प्रोटीन भी स्ट्रॉबेरीज के अंदर एवरेज है जो बहुत ही यूज़फुल है हेयर ग्रोथ के लिए और स्टॉप हेयर लॉस स्टॉप करने के लिए। जो थर्ड फूड है जो बहुत ही यूज़फुल है हेयर ग्रोथ के लिए वो है स्पिनेच। दोस्तों, स्पिनेच एक वेजिटेबल है जिसके अंदर विटामिन ए है एज वेल एज विटामिन और कुछ विटामिन है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ प्रोटीन भी है और ये कैल्शियम का भी जो है तो सोर्स है। तो दोस्तों, स्पिनेच बहुत ही यूज़फुल है हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर स्ट्रेट मतलब जो है तो हम देखते हैं कि स्ट्रेटनिंग करने के लिए या हेयर जो है तो घने बनाने के लिए जो है तो स्पिनेच बहुत ही यूज़फुल है। जो फोर्थ फूड है जो बहुत ही लाभदायक है हेयर ग्रोथ के लिए वो है फैटी फिश ऑयल जो लाइक सालमन। हम देखेंगे कि अगर फ़िश ऑयल हम लेंगे तो फ़िश ऑयल के अंदर बहुत सारे गुड कंटेंट्स होते हैं, D3 का सोर्स है और विटामिन ए का भी सोर्स है फ़िश ऑयल, तो ये हमारी हेयर ग्रोथ में बहुत ही यूज़फुल है। दोस्तों, जो फिफ्थ वन जो फूड है जो बहुत ही यूज़फुल है हेयर ग्रोथ के लिए वो है वॉलनट्स। वॉलनट्स भी बहुत यूज़फुल है जिसके अंदर कुछ प्रोटीन्स है, कुछ विटामिन्स है और आयरन कंटेनिंग है, फोलेट है, जो बहुत ही यूज़फुल है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए। अगर हम और फूड्स देखेंगे जो हेयर ग्रो के लिए बहुत यूज़फुल है उसमें देखेंगे स्वीट पोटैटोज। दोस्तों, स्वीट पोटैटो बहुत ही यूज़फुल है हेयर ग्रोथ के लिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स है, स्पेशली विटामिन ए है जो बहुत ही लाभदायक है हेयर ग्रोथ के लिए। दोस्तों, अगर हम ये तो कुछ वेजिटेबल्स या वेज प्रिपेयर करके बताया, अगर कोई नॉन वेज लेता है तो मिल्क, अगर 1 cup ऑफ मिल्क अगर वो डेली लेगा तो हम देखेंगे उसको जो तो हेयर ग्रोथ में बहुत ही यूज़फुल रहेगा। इसी के साथ हम देखेंगे अगर कोई फिश लेता है या मीट लेता है तो भी बहुत ही यूज़फुल है हेयर ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों, मैंने जो आपको फूड बताया तो आपको इस फूड में से कोई तो एक फूड जो है तो मेनटेन करना है आपके डाइट में, या अगर आप इसमें से 3-4 food अगर मेनटेन कर सकते हैं डाइट में तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका डाइट अच्छा नहीं होगा और आप कितने से भी अच्छे से अच्छे मेडिसिन लेंगे या कुछ भी फार्मूलाज लेंगे तो यकीन मानो आपको उससे रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन आपका डाइट अच्छा है और उसी के साथ साथ अगर आप
मेडिसिंस ले रहे हैं तो आपको 101% रिजल्ट आएगा। फ्रेंड्स, तो मैंने आपको भी क्या डाइट लेना चाहिए हेयर ग्रोथ के लिए वो बताया। अब मैं बताऊंगा कि क्या हेयर टॉनिक फार्मूला है और कैसे हम हेयर टॉनिक फार्मूला को बनाएं। दोस्तों, अगर आपको हेयर टॉनिक फार्मूला प्रिपेयर करना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मेडिसिन जो है तो होम्योपैथिक फार्मेसी से परचेज करना है। फर्स्ट जो मेडिसिन है वो है अर्निका 30 ml, सेकेंड जो मेडिसिन है वो है कैलेंडुला 30 ml, और जो थर्ड मेडिसिन है वो है जबोरंडी 30 ml। तो दोस्तों, आपका इस मेडिसिन का मैंने स्टिकर भी लगाया है, आप स्टिकर में भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेडिसिन होम्योपैथिक फार्मेसी से परचेज करनी है। इसी के साथ साथ आपको होम्योपैथिक फार्मेसी से एक एम्प्टी फाइल या एक एम्प्टी बॉटल भी परचेज करनी है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 3 मेडिसिन आपने 30 ml डाइल्यूशन कर लेकर आए हैं, तो आपको 3 मेडिसिन एक बॉटल में पूरे जो मिला देना है। वो तीनों बॉटल आप एक बॉटल में अगर कंबाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा डाइल्यूशन जो है तो आपका 90 ml का बन चुका है। और ये जो डाइल्यूशन है आपको डेली लेना है, सुबह शाम 5 ड्रॉप्स इन हाफ पर बॉटल फॉर 2 मंथ्स। फ्रेंड्स, अगर आप इसको इस डाइल्यूशन को 2 मंथ्स तक लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका हेयर फॉल भी स्टॉप होगा, आपका हेयर ग्रोथ भी होगा, और आप देखेंगे कि आपको जो है तो जो हेयर है तो उसकी ग्रोथ तो होगी, लेकिन हेयर को जो है तो थिन जो हो रही है, जो हेयर बीच में से कट जा रही है या ग्रे हो रहा है, मतलब सफ़ेद हो रहे हैं, वो भी स्टॉप हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था, लेकिन अगर आपको इसी तरह से और इंटरेस्टिंग वीडियोस और जो है तो इन्फॉर्मेशन चाहिए होम्योपैथी से रिलेटेड या और डिसीज रिलेटेड, तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, मैं जैसे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि हमें लाइव क्लिनिक स्टार्ट करना है, तो दोस्तों आप लाइव क्लिनिक में भी मुझसे बन सकते हैं या मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन को बटन है उसको क्लिक कीजिए। Thank you.